नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल अन्यार में। और सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब हम बात करेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 15 मिनट तक आपस में फोन पर बात की है। क्या क्या बात की है वो मैं पूरी बताऊंगा आपको, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं दिनों दिन। और उसके बाद जो नेपाल का नया नक्शा आया था, काला पानी लिपिया धरा और लिपु लेख को मिलाया गया था, उस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाएगा और इस पर यह जमीन किसकी है ये निर्णय बाद में अभी जल्दी ही किया जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए तंत्र की स्थापना की गई थी और उसमें वो जो आर्थिक विकास है वो परियोजनाएं समय समय पर मिलती रहती हैं। तो भारत ने जो 10 सड़कें उन्नयन और जोगबानी विराट नगर और जयनगर इसमें जो विकास की परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं उसके लिए जो वित्त वर्ष है हमारा 2019-20 उसमें इकोनॉमिक एड टू नेपाल बजट के तहत निर्धारित कुल राशि का जो बजट है वो 1200 करोड़ रुपए किया गया था और वो अभी दिया जाएगा और उसमें जो विकास परियोजनाएं हैं वो चलाई जाएंगी जो कि नेपाल की आर्थिक सहायता के लिए दिए जाते हैं और वो अब दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें ये होगा कि दोनों देशों के रिलेशन है वो बढ़िया होंगे और ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के चलते उसके प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने एकजुट होकर महामारी से लड़ने की बात करी है और इसके अलावा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि इसके संबंध में नेपाल को भारत के निरंतर समर्थन की पेशकश की और रीडर आउट जोड़ दिया गया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और तब तक मैं आशा करता हूं कि और अच्छे संबंध बनेंगे। तो एक बार फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं, रिक्वेस्ट आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें।